अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक नई ब्रीड आपको मुतारफ़ करवा रहा हूँ, गोल्डन कुचीन हैवी, या फिर इसको बफ कुचीन हैवी भी कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि मेरी पहली वीडियो के अंदर कुचीन की या बफ की डेफिनेशन वो लोग अक्सर गलत कर देते हैं, तो इसकी कुचीन की डेफिनेशन जो है वो ये है कि जिसकी टांगों पर बाल होंगे उसको हम कोचीन कहते हैं, और बफ की डेफिनेशन ये है कि गोल्डन, ठीक है, गोल्डन कोचीन हैवी, मतलब इसका कलर गोल्डन है और इसकी टांगों पर बाल हैं, और तीसरा लफ्ज़ इसमें हैवी, मतलब ये हैवी है। ये तीन वर्ड्स बन जाते हैं, बफ गोल्डन, मतलब बफ का मतलब गोल्डन, कोचीन का मतलब इसकी टांगों पर बाल हैं, और हैवी मतलब ये हैवी ब्रीड है। तो इस तरह से ये एक हैवी ब्रीड है जिसका वज़न 5-6 किलो तक पहुंच जाता है। जब ये फुल ब्रीडर होती है तो इसका वज़न 5-6 किलो तक वज़न पहुंच जाता है। तो अगर टर्म की बात करें तो टर्म पाकिस्तान के अंदर हम अक्सर मैंने सुना है कि लोग क्या कहते हैं, वाइट बफ, ठीक है। अभी वाइट एक सेपरेट टर्म है, बफ गोल्डन को कहते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं है तो वो इसी तरह से हैवी की बजाय वो बफ कह देते हैं, लेकिन असल में इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि इसका असल मतलब है, लफ्ज़ जो है वो है बफ कोचीन हैवी या गोल्डन कोचीन हैवी। ये दोस्तों इंडोनेशिया से तल्लक रखने वाली ब्रीड है, और बाज़ दोस्त ये भी कहते हैं कि ये चाइना से माइग्रेट हुई है इंडोनेशिया के अंदर और फिर इंडोनेशिया से पाकिस्तान के अंदर मुतारफ हुई है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसकी खूबसूरती इसके पाँव के ऊपर बाल और इसका हैवी जिस्म, जिसका औसतन वज़न जो है 5-6 किलो वज़न तक पहुंच जाता है, और इसके अंडों की रेशो वो भी माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त है, 150 से 200 तक अंडे ये मुर्गी दे देती है सालाना, मतलब ये बहुत अच्छी रेशो है, और अंडे का साइज़ जो है वो भी आम अंडों से खासा बड़ा होता है। तो दूसरी तरफ अंडे की फर्टाइलिटी माशाल्लाह से वो भी अच्छी होती है, और चिक्स जो है उनकी ग्रोथ भी अच्छी है, चिक्स की सेल जो है वो भी अच्छी है।
سے کافی زیادہ ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے اندر کافی ریئر، ابھی تک ریئر پائی جاتی ہے، اس کی اتنی زیادہ پاپولرٹی نہیں ہوئی۔ اس کی سیل ویلیو بھی، کیونکہ اس کی پرائس زیادہ ہونے کی وجہ سے سیل ویلیو اس کی تھوڑی سی کم ہے، کیونکہ تھوڑی سی یہ یونیک کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بلیک کوچین ہیوی ہے، بلیک کوچین ہیوی بھی سیم گولڈن کوچین ہیوی کی طرح، صرف اس کا کلر جو ہے وہ بلیک ہے، مکمل بلیک ہوگا، اور باقی اس کا جو انڈوں کی ریشو ہے وہ بھی وائٹ کوچین ہیوی کی طرح کم ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے انڈوں کی ریشو 100 سے 150 تک پر ایئر انڈوں کی ریشو ہے۔ اس کے ساتھ یہ بلو کوچین ہیوی ہے، بلو کوچین ہیوی، بلیک کوچین ہیوی اور وائٹ کوچین ہیوی، یہ دونوں سے زیادہ ریئر ہے۔ اس کی جو پرائس ہے وہ ان دونوں سے، بلیک کوچین ہیوی اور وائٹ کوچین ہیوی سے زیادہ، اور انڈوں کی ریشو اسی طرح سے کم ہے۔ تو یہ ہیوی کوچین کی فیملی ہے ساری کی ساری۔ تو ان ساری بریڈس کے چکس اویلیبل ہوں گے، چکس آپ پال سکتے ہیں، بریڈ پیئر مل سکتے ہیں، سارا کچھ آپ کو مل جائے گا۔